सीएम बोले, भागवत कलश सिर पर रखते ही मंत्री बनकर राम निवास में जल्द ही आऊंगा। गौरस गिर नस्ल अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। खबर श्योपुर से है, जहां कल विजयपुर में आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव पधारे। धार्मिक कार्यक्रम में आए सीएम यादव से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत ने मंच से विजयपुर के लिए जो मांगा, सीएम ने तत्काल उसकी घोषणा कर दी। इसके अलावा सीएम ने गौरस में गिरगाय अनुसंधान केंद्र बनाने की बात भी कही और जल्दी गौरस में आने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री यादव बोले कि हम आपके प्रतिनिधि रामनिवास रावत के साथ मिलकर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। सीएम बोले कि भागवत कथा सभी पुराणों का प्राण है, हम सनातन में विश्वास रखते हैं। रामनिवास को लेकर कहा कि देखो, भागवत पुराण का चमत्कार की कला सिर पर रखते ही मंत्री बन गए। आपको बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव में नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत का कद बीजेपी में बहुत बढ़ गया है और रावत सीएम एवं विधानसभा अध्यक्ष के बेहद करीबियों में शुमार हो गए हैं। जो पद प्रतिष्ठा और औहदा रामनिवास रावत को कई वर्षों तक कांग्रेस में रहकर हासिल नहीं हो पाया था, बीजेपी सरकार ने मात्र 2 महीने पहले पार्टी में आए विजयपुर विधायक को मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर सम्मान दिया है। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और मेरा गोरस आने का कार्यक्रम भी जल्दी बनने वाला है, बहुत जल्दी वहां आकर के इन गांवों के विकास की शुरुआत भी करेंगे। सीता प्रोजेक्ट कहीं नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से मिला है ना। ये अपने पर्यटन के लिए बहुत महत्व का क्षेत्र रहेगा। आने वाले समय में जो जो विकास के काम होंगे लगातार करते रहेंगे, लेकिन आज तो भगवान के पारायण करके अपना जीवन धन्य हुआ है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत का सार, जीना जब तक जीना है, अंततः तो सबको शरीर छोड़ना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से अच्छा होता जाए, यही भगवान का संदेश हमारे सबके सामने है। मैं पुनः महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाने का, बोलने का मौका दिया।